आज मैं शेयर करने जा रही हूँ पेड़े की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। बिना किसी झंझट के आप इसे 5 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 3 चीज़ों से, बिना खोया, बिना कंडेंस मिल्क, बिना चाशनी के ये बनकर तैयार होंगे पेड़े। और इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ मोटे तले का लेना है कढ़ाई या पेन, तो ले लें। उसके बाद उसमें हम डाल देंगे 1/2 गिलास दूध। आप कप से या गिलास कटोरी जो भी से लें उसे मेजरमेंट कर लें। तो बस इसमें डाल देना है 1/2 गिलास दूध हमने लिया है, तो 1/2 गिलास चीनी ले लेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, या फिर आप अपने अनुसार से चीनी कम ज़्यादा मीठा जैसा पसंद हो आप वैसे ले सकते हैं। तो बस अच्छे से इसे मिला लेना है। इसमें डाल देंगे 2 चम्मच घी, इससे अच्छा टेस्ट आता है और शाइनिंग भी आता है। तो ये देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए मिक्स कर दिया है मैंने। अब यहाँ हम डालेंगे मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। बस इसे अच्छे से डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। एक ही बार हम सारा नहीं डालेंगे वरना ये गुठलियाँ हो सकता है इसमें। बस इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा डालकर अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। हमने यहाँ 1 कटोरी डाल दिया है। तो ये देखिए अब हम ला लेंगे और 1 कटोरी। तो सभी में मैंने यहाँ लिया है 250 ग्राम मिल्क पाउडर। इसे हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। इसकी मिठाई है वो बहुत ही अच्छे बनते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरह से हम सभी को मिला लेंगे। थोड़े बहुत गुठलियाँ हैं तो वो भी जब हम गैस पर चढ़ाएंगे तो ये अच्छे से सारे मेल्ट हो जाएंगे। तो बस इसी तरह से हमें चलाते हुए अच्छे से मिला लेना है। तो ये देखिए ये अच्छे से मिल गया है। अब हम इसे चढ़ाएंगे गैस पर। अब हम करेंगे गैस को ऑन और इसे हम लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो यहाँ हमने गैस को ऑन कर लिया है। अब इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए अच्छे से इसे पकाना है। तो इसे लगातार चलाते रहेंगे वरना ये तले में चिपक सकता है। इसे इस तरह से हम चलाते रहेंगे। ये देख सकते हैं इसमें जरा सा भी गुठलियाँ नहीं है। तो इसे हम धीरे धीरे इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे। इसे बिल्कुल ना छोड़ें, इसी तरह चलाते रहें वरना ये चिपकने की वजह से गुठलियाँ भी बन सकता है, उससे पेड़े खराब हो सकते हैं, अच्छे नहीं बन पाएंगे पेड़े। तो बस इस तरह से हमें लगातार चलाते रहना है। तो ये देख सकते हैं ये धीरे धीरे गाढ़ा हो गया है। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक ये डो के फॉर्म पर नहीं आ जाता है। इसे कंटिन्यू लगातार चलाते रहेंगे। ये देखिए सिमट कर एक जगह आ गया है। ये हमारा अच्छे से पक गया है। ये देख सकते हैं एक डो की तरह एक जगह आ गया है। अब हम यहाँ गैस को ऑफ कर देंगे और हम निकालेंगे एक प्लेट में। तो प्लेट में हम लगाएंगे पहले घी थोड़े से लगा लेंगे, उसके बाद हम इसमें सारे मिक्सचर को निकालेंगे। इस तरह से हम सारे मिक्सचर को इसमें डाल देंगे प्लेट में। तो ये देखिए हमने यहाँ निकाल लिया है। अब यहाँ फ्लेवर के लिए हम डालेंगे इलायची पाउडर। आप इसके जगह चाहे तो केवड़ा वाटर, रोज वाटर या कोई भी एसेंस आप ले सकते हैं। तो बस इसमें हाथ में थोड़ा सा घी लगाकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो यह थोड़ा गर्म है, ज़्यादा गर्म भी न ले, बस जितना आप सह सके बस उतना गर्म है। इसे अच्छे से मिक्स कर लें, इसे अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद एक चम्मच की सहायता से हम इसका पेड़े बनाएंगे। चम्मच से मिक्सर लेने से इसके जो ये पेड़े हैं वो इक्वल साइज में सबरे बनेंगे। तो इस तरह से हम एक एक चम्मच लेकर अच्छे से रोल करेंगे और बीच में थोड़ा सा हम इसे टेस्ट कर देंगे। और आप यहाँ कोई भी चीज़ इसमें अच्छे से गार्निश कर सकते हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, जो भी आप लेना चाहें उसे आप इसमें लगा लें। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे प्लेन भी रख सकते हैं। तो आप इस तरह से हम सारे को बनाकर तैयार करेंगे। बस हाथों में एक चम्मच लेकर इसे अच्छे से रोल कर लेंगे, अंगूठे से प्रेस करेंगे और बीच में हम लगा देंगे बादाम को। इस तरह से हम सारे को बनाकर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं बनकर तैयार है।
अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ सारे को निकाल लिया है, पेड़े बनकर तैयार है। तो मैंने यहाँ थोड़े से केसर के धागे भी लगा दिया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। तो ये हमारा पेड़ा बनकर तैयार है, बहुत ही अच्छा बना है, सॉफ्ट बना है, मुंह में घुल जाने वाले हैं, इतने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। बिना किसी टेंशन के आप इसे 5 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं, कम सामान में बनकर तैयार होता है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब।